अयोध्या में बच्चे से हैवानियत के आरोपी पर पीला पंजा चल गया, यानी अपराधी की बेकरी को बाबा के बुलडोजर ने गरज कर तहस नहस कर दिया। गैंगरेप के आरोपी मोहित खान पर तो शिकंजा कसी रहा है, लेकिन अब अगला नंबर किसका है इस रिपोर्ट में देखिए। नाबालिग से हैवानियत, चल गया बुलडोजर। विधानसभा में ऐलान, तरिंदों का पूरा हिसाब। बाबा का बुलडोजर एक्शन, हम दर्दों को टेंशन। धर्म नगरी में अधर्म हुआ तो सूबे के मुखिया गुस्सा हो गए। गुस्सा इतना कि सदन में ही ऐलान कर दिया कि अपराधी नहीं बचेंगे। अपराधियों को फूल माला नहीं पहनाई जाएगी, बल्कि पूरा हिसाब किया जाएगा। अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। योगी ने जब सदन में बोला तो यह तय हो गया था कि अब अयोध्या के हैवानों का हिसाब किताब पूरा होने वाला है। विधानसभा में योगी ने अपराधियों को चेतावनी दी तो प्रशासन ने एक्शन की तैयारी कर ली। गैंगरेप के आरोपी और सपा नेता मोहित खान की जमीन की पैमाइश हुई। जमीन की पैमाइश में पता चला कि गैंगरेप के आरोपी की बेकरी तालाब की जमीन पर ही बनी। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी सील की और बेकरी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। उधर प्रशासन भी बुलडोजर लेकर पहुंच गया और अवैध निर्माण पर बनी बेकरी को तहस नहस कर दिया। एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की थी। योगी से मुलाकात के दौरान पीड़ित परिजनों ने आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की थी। धर्मनगरी के हैवान की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा था तो पीड़ित परिजनों के दर्द पर मरहम लग रहा था। सादा पन्ना पे अंगूठा लगाए, कई बार अंगूठा लगाया सादा कागज पे, 4-5 कागज पे सादा कागज पे अंगूठा लगाए, कागज रहा स्टाम्प कागज पे, सब सादा रहा स्टाम्प कागज रहा, उस पे अंगूठा लगवाए, कई बार अंगूठा लगा, हमको पता नहीं, हमारे पर अंगूठा लगाए दिया, कहीं अंगूठा लगाए दिया सादा कागज पे तो हम लगाए दिए, हमारे साथ घटना ना कह पाए, पलट जाए तो सादा पन्ना पे हमें अंगूठा लगवाए, कहीं 4-5 कागज पे लगवाए हैं अंगूठा तो हम अंगूठा लगा दिया। अब यही डर है कि जब हमारे साथ कोनो घटना कही सकत ना ही वहाँ थाना पे हाँ जब एप्लीकेशन डाले तो थाना पे सादा कागज पे लगवाया है 4-5 कागज पे। हाँ पर मजूरी उजूरी करी थी सब तो खाई खर्चा चला, दिन भर मजूरी करी संचक खाई थी, हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी चाहिए, ना ही पैसे से नहीं लिए थे हमको, इतनी बड़ी घटना हमारे बेटे के साथ करे, हम पैसा लेवे। अस्पताल में भर्ती पीड़िता का दर्द बांटने जब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे तो दर्द इतना गहरा था मंत्री जी के आंखों से आंसू छलक गए। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज उठाई, जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं, और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की, वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई। बस इतने उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज का इस तरीके से अत्याचार मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता, उसका साथ न दे। यानी एक तरफ सूबे के मुखिया और पूरी सरकार पीड़िता के साथ खड़ी है, योगी आदित्यनाथ कसम खा चुके हैं कि जब तक अपराधी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैवान की हमदर्दी में जुटे हैं। आरोप है सपा के नेता नाबालिग रेप पीड़िता से सुलह नहीं करने पर धमकी देने के लिए अस्पताल गए थे,
कोतवाली में दर्ज FIR में कहा गया है कि सपा नेता और नगर पंचायत भद्रसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद और सपा नेता जय सिंह राणा ने अस्पताल जाकर मामले में सुलह की धमकी दी। पीड़िता के परिजनों से सुलह और धमकी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप मढ़ दिया। सपा का मतलब सुशासन और विकास नहीं, गुंडागर्दी करना और अपराधियों को संरक्षण देना। भाजपा का संगठन और दोनों मजबूत और अभेद। कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर शिख अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देखो, परंतु ये हकीकत में कभी नहीं बदलेंगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे। क्या है पूरा मामला? सपा नेता मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप। मोहित पर नाबालिग के साथ गैंगरेप का आरोप। नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप का आरोप। मामले का खुलासा नाबालिग के गर्भवती होने पर हुआ। 2 महीने तक मोहित वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मोहित खान और उसके साथी को जेल भेज दिया। मोहित खान ने नाबालिग को ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भरने वाला है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। लेकिन सवाल यह है कि पीड़िता दलित समाज से है, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने पीड़ित के प्रति हमदर्दी क्यों नहीं जताई? सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरी दम तक गैंगरेप के आरोपी को बचाने की कोशिश क्यों की गई? रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया।